हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे न्यू लैंड लेबोरेटोरीज लिमिटेड। ओके, तो देखिए ये शेयर आपका कल के दिन में एनएससी में ओपन हुआ था 1069 पे, हाई गया था 1180 एंड लो गया था 1034.45 एंड क्लोज हुआ था 1136.15 पे। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। फिनस्टार ने इस कंपनी को 3 out of 5 का रेटिंग दिया है। इसका मार्केट कैपिटल है आपका ₹1457.67 करोड़, आपका एंटरप्राइज वैल्यू है ₹1609.76 करोड़ एंड पीई रेशियो है 24.73। इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्ट है ₹170.18 करोड़ का, तो इसका जो डेप्ट इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.22। अगर किसी भी कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 और 1 से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं एंड यहाँ पे 1 से कम ही है। एंड इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 2.15। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो 1 और 1 से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं एंड यहाँ पे 1 से ज्यादा ही है। इस कंपनी का ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर है ₹45.93, रिटर्न ऑन इक्विटी है 10.81%, आरओसीई आपका है 12.83%। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी ने आपका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था इस कंपनी में 405.63%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा एक प्रॉफिट ग्रोथ है एंड सेल्स ग्रोथ हुआ था 22.84%, ये भी अच्छा ही है। ये जो कंपनी है आपका न्यू लैंड लेबोरेटरीज, इस कंपनी में पब्लिक का होल्डिंग है 40.4%, प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 36.22%, एफआईआई का है 17.19% एंड डीआईआई का है 6.19%। एंड ये जो आपका 36.22% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है इसमें लेकिन थोड़ा सा शेयर प्लेज है, कितना शेयर प्लेज है 4.3% शेयर प्लेज है। और एक चीज देखिए, ये जो कंपनी है आपका न्यू लैंड लेबोरेटरी, इस कंपनी में 2021 दिसंबर तक जो डेटा मिल रहा है उस हिसाब से बीजाई केडिया सेवन ने इस कंपनी में 14.77 करोड़ का होल्डिंग करके रखा है एंड मुकुल अग्रवाल सर ने 39.77 करोड़ का होल्डिंग करके रखा है, जो कि एक अच्छा बात है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर के एक बार चार्ट पे। ओके, तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, मैंने यहाँ पे एक आपका रेड कलर का लाइन ड्रॉ किया, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, डाउन ट्रेंड लाइन। देखिए ये शेयर आपका बहुत दिनों से गिर रहा था लेकिन इस जगह पे आके इस ट्रेंड लाइन में एक ब्रेकआउट हुआ, जो कि एक अच्छा बात है। एंड लास्ट ट्रेडिंग डे पे देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा एंड इस कैंडल पे सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल भी दिया है। मतलब क्या, एक तो ट्रेंड डाउन ब्रेक हुआ जो कि एक अच्छा बात है, उसके ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल भी फॉर्म हुआ एंड उस कैंडल में आपका सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल भी दिया। आरएसआई की बात करेंगे तो देखिए आरएसआई जो 40 का लेवल है उसको तोड़ के नीचे की तरफ चला गया था लेकिन फिर से आपका 40 का लेवल को तोड़ के अभी आरएसआई ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ये भी एक अच्छा बात है। एमएसडी की बात करेंगे तो देखिए एमएसडी जस्ट आपका 0 पॉइंट से ऊपर जाके एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म किया, मतलब ओवरऑल हर एक इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को फ्रेश एंट्री लेने के लिए इंडिकेशन दे रहा है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर के एक बार वीकली चार्ट पे। तो अभी देखिए मैंने स्क्रीन पे इस शेयर का वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया, यहाँ पे भी देखिए मैंने एक रेड कलर का डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। यहाँ पे देखिए ये वाला इस ट्रेंड लाइन को इस जगह पे ब्रेक हुआ है, ठीक है, मतलब पिछले वीक में ब्रेक हुआ था एंड इस वीक में यहाँ पे हम लोगों को एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा, जो कि एक अच्छा बात है। आरएसआई की बात करें तो देखिए आरएसआई अभी भी आपका 40 का जो लेवल है उससे नीचे ही है लेकिन उससे नीचे भी आपका आरएसआई का जो लाइन है वो आपका अपटेन हो चुका है, मतलब ये एक हम लोगों को बुलिश साइन दिखा रहा है। और अगर हम लोग एमएसडी की बात करेंगे तो देखिए एमएसडी आपका 0 पॉइंट से नीचे है लेकिन बहुत वीक के बाद एमएसडी में 0 पॉइंट से नीचे भी एक आपका ग्रीन कैंडल फॉर्म किया, ये भी हम लोगों के लिए एक बुलिश साइन है। लेकिन चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर के एक बार मंथली चार्ट पे। ओके, और एक चीज हम लोग
यहाँ पे बोलना चाहेंगे आप लोगों को, देखिए इस जगह पे ये आपका एक स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट जोन था, ठीक है। मतलब पिछले टाइम यही सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेने के बाद शेयर ऊपर की तरफ गया था, फिर से देखिए उसी सपोर्ट जोन पे अभी सपोर्ट लेते हुए ब्रेकआउट करते हुए यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता दिख रहा है, जो कि एक अच्छा बात है। तो अभी हम लोग सीधे चले जाएंगे इस शेयर के एक बार मंथली चार्ट पे। तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का मंथली चार्ट भी ओपन कर लिया एंड चार्ट पे मैंने और एक एक्स्ट्रा इंडिकेटर ऐड किया जिसको बोला जाता है पिवोट पॉइंट। आप लोगों को सपोर्ट जोन दिखाने के लिए ये इंडिकेटर मैंने ऐड किया। तो देखिए ये शेयर आपका कुछ दिनों से गिर रहा था, ठीक है, मेनली कुछ महीनों से गिर रहा था, गिरते गिरते बहुत महीनों के बाद यहाँ पे देखिए फिर से हम लोगों को एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता दिख रहा है। और एक कैंडल कब फॉर्म होता दिख रहा है, पिवोट पॉइंट के हिसाब से जो आपका सपोर्ट जोन है उसके नजदीक एक कैंडल फॉर्म होता दिख रहा है, जो कि एक अच्छा बात है। अगर आरएसआई की बात करेंगे तो देखिए आरएसआई भी आपका कुछ महीनों से गिर रहा था लेकिन फिर से अभी देखिए आरएसआई थोड़ा सा आपका मूड चुका है, मतलब आरएसआई भी अपटेन हो चुका है। लेकिन एमएचसीडी क्लियरली यहाँ पे हम लोगों को अभी भी जीरो से नीचे शो कर रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये हम लोगों को क्लियरली एक सपोर्ट जोन दिखा रहा है जहां पे फ्रेश एंट्री लेने से हम लोग आने वाले दिनों में आपका प्रॉफिट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है लगभग 1136, अगर इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए और अगर आप लोगों का नजरिया थोड़ा सा लंबा है, मतलब 9-10 महीने का है, तो मुझे ये लगता है कि 8 से 10 महीने के अंदर ये शेयर आपका 1800 का जो टारगेट है वो भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।